गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञान मंजरी मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हम लोग का रिवीजन चल रहा है, क्रिएशन तक रिवीजन हुआ है, लेकिन अब 4 और 5 नहीं करना है। अब 8 लेसन 7 पार्ट 7 का रिवीजन आज हम लोग करेंगे, क्योंकि जब मैं बुक चेक कर रही थी आप लोगों का, तो बहुत सारे स्टूडेंट लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट्स जो भी था किसी ने नहीं किया था। अधिकतर स्टूडेंट ने लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से दोबारा इसका क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, आप लोग इस लेसन को पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ये लेसन पूरा करेंगे। सभी लोग जिनका बाकी जो लिख लिए हैं उनका फिर से रिवीजन होगा, और जिसने नहीं किया है वो अपने बुक में बुक को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए पार्ट 7 पेज नंबर 34, 35, 36 निकालना आप लोगों को। 34 पहले निकालिए, इसमें है री की मात्रा। क्या है री की मात्रा? री की मात्रा, री कैसे लिखते हैं, ये क्या है हमारा री, इसको अ आ हर साइड दिगई हसौ दिगौ री, री आता है उसमें, अ आ में जो स्वर वर्ण है हमारा अ से लेकर अ उसमें री आता है, ये इसका और इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा ये है। इस तरह से देते हैं, जैसे कोई भी वर्ड लिख रहे हैं उसमें देते हैं, जैसे ये नृप लिखा हुआ है, नृप नृप न लिखा हुआ है और प तो क्या नट हो गया, इसमें री की मात्रा लगाएंगे कहाँ, ये हाँ नीचे लगा दिए तो क्या बन गया नृ नृ नृप, मतलब उच्चारण क्या हो रहा है, री का उच्चारण न के साथ री का उच्चारण हो रहा है री नृप, तो न के साथ कोई भी वर्ड के साथ री की मात्रा लगाया जाता है इस तरह से, ओके। ये क्या है री की मात्रा, तो आज लेसन में जाकर वर्ड्स में हम लोग री की मात्रा कौन से वर्ड में कहाँ कैसे लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे, ओके। नहीं उसके बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ऊपर जो दिया हुआ है लिखा हुआ है क्री क में री की मात्रा है, ग में री की मात्रा है तो री हो जाएगा, न में री की मात्रा दिया है तो नृी हो जाएगा, प में री की मात्रा है तो प्री, व में है तो व्री और स में है तो श्री। ये सब आप लोगों को इसके ऊपर पेंसिल घुमा के ट्रेस करना है, ठीक है। सभी लोग उसको ट्रेस करेंगे सभी लोग, ये मैं फिर से नहीं करवाऊंगी, ये सब पहले कर चुके हैं हम लोग। तो इसका इसमें क्या है ग्री शब्द कुछ बनाने के लिए मैं बता रही हूँ आप लोग को बनाना है ग्री। ग्री कैसे, ग्री लिखा हुआ ग्री और ग्री देखिए ये है, इसमें ग्री इसमें ली की मात्रा ये लग गया, ये कैसे बनाएंगे पहले सब लिख देते वर्ड्स। ब्रिज वो है, फिर छ वच हो गया लेकिन इसमें नीचे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ब्रिज, ब्रिज मीन पेड़। उसके बाद क्या है कृषि, क्री में क्री लगाएंगे और स में इस तरह से देंगे तो क्या बन जाएगा कृषि, क्री क्वेश्चन था इसमें री की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया कृषि, कृषि। तो इसको अलग अलग में कैसे करेंगे, ये है वर्ड शब्द बनाएंगे ग्री है तो ग्री प्लस क्या होगा ह तो हो गया ग्री, ग्री प्लस ह ग्री। उसके बाद है व्री, व्री प्लस छ तो क्या हो गया ब्रिज, व्री प्लस छ ब्रिज। फिर है क्री में इकार सी कृषि तो यहां होगा क्री प्लस शी तो क्या बन गया कृषि। उसके बाद क्या है नृप, नीचे नृप लिखते हैं नृप और नृप तो क्या बन जाएगा यहां नृप प्लस
बोलते हैं, खेती करने को कृषि बोला जाता है। फिर क्या है नृप, नृप प्लस नृप, नृप मीन्स राजा, क्या नृप का मतलब होता है राजा, इसको आप लोग लिखिए। अगला है नृप बन गए, लेसन का नाम है नृप बन गए, का हेडिंग है नृप बन गए मतलब राजा बन, वन मीन जंगल, जंगल गए, वहां पे क्या हुआ उसके बारे में लेसन में लिखा है, ठीक है। राघव नामक नृप एक दिन, राघव नामक नृप एक दिन मतलब एक राजा था जिसका क्या नाम था राघव, एक दिन बन गए, बन गए मतलब जंगल गए, मृग घास चर रहा था, मृग घास चर रहा था, मृग किसको बोलते हैं हिरण को, हिरण इंग्लिश में डियर बोला जाता है, डी ए आर डियर, उसी को मृग भी बोलते हैं, फिर उसी को हिरण भी बोलते हैं और इंग्लिश में डियर बोलते हैं। चर रहा था मतलब डियर घास चर रहा था, नृप यानी हिरण घास चर रहा था, नृप की नृप कुटिया तक गए, कुटिया कुटिया मतलब घर, जो झोपड़ी घास फूस का कच्चे घर बने होते हैं मिट्टी के उसको क्या बोलते हैं कुटिया, कुटिया तक गए, नृप की बानी अमृत समान मीठी थी, मतलब नृप की बानी राजा की बानी अमृत समान मीठी थी। दूर एक कृषक कृषि कर रहा था, कृषक मीन्स किसान, कृषि मीन्स खेती, यानी दूर एक किसान खेती कर रहा था, पास एक ऋषभ भी खड़ा था, पास एक ऋषभ भी खड़ा था, ऋषभ मीन्स बैल, ऋषभ का अर्थ क्या होता है बैल, उसको हिंदी में ऋषभ भी बोलते हैं और बैल भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बुल बोला जाता है। आपका शब्दार्थ लिख लीजिए आप लोग, कृषक कुटिया ऋषभ अमृत बीज
अमृत को अमृत मतलब भगवान का दिया हुआ प्रसाद, जो
बोलते हैं वॉइस, VOICE वॉइस। ओके, फिर है मृग, मृग मतलब हिरन, उसको हिरन भी बोलते हैं मृग को, और इंग्लिश में डियर, DEER डियर। फिर है ब्रिज, ब्रिज मींस पेड़, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री, TREE ट्री। फिर है ग्री, ग्री मतलब घर, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं होम, HOME होम। फिर है पितृ, पितृ किसको बोलते हैं पापा को, अपने पापा को, उसको उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फादर, FATHER फादर। फिर नृप, नृप मीन्स राजा, उसी को नृप को ही राजा बोलते हैं, इंग्लिश में किंग, KING किंग। फिर है कृषि, कृषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कृषि मतलब खेती करना, उसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर, AGRICULTURE एग्रीकल्चर। ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। हो गया आप लोग का? ये हो गया 35 पेज नंबर। अब अभ्यास, अब पेज नंबर 36 अभ्यास करेंगे। कौन नंबर नृप का नाम क्या था, क्या था? सब लोग लिखेंगे, सभी लोग अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर में भरेंगे, जो उनका हो गया है वो कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? बहुत लोगों ने नहीं लिखा था, मैं जब बुक चेक कर रही थी तो किसी का भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था, एक दो स्टूडेंट्स का ही लिखा हुआ था, बाकी सबका खाली था, ठीक है? इसलिए मैं दोबारा लिखवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर इसका, सब लोग लिखेंगे, एक भी कोई भी छोड़ेगा नहीं। ओके, उत्तर
नृप का क्या नाम था? नृप का नाम राघव था। नृप का नाम, नृप का नाम राघव था। नृप का नाम क्या था? नृप का नाम राघव था। फिर ख नंबर, ऋषि ऋषि की वाणी वाणी कैसी थी? कैसी थी ऋषि की वाणी? कैसी थी? ऋषि की वाणी कैसी थी? ऋषि की वाणी अमृत के समान मीठी थी। ऋषि की वाणी अमृत समान समान मीठी थी। अमृत के समान मीठी थी। नृप के बीच क्या बातचीत हुई? होगी हुई थी राजा और नृप और कृषक के बीच में, जो खेती कर रहा है वो लेसन में दिया नहीं है। इसमें आप लोगों को बोल रहा है कृषक और नृप के बीच क्या बातचीत हुई, सोच कर बताएं, सोच कर बताओ, आप लोगों को बताने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग सोचिए कि क्या बातचीत हुई होगी, क्या हुई होगी। राजा है वो
लेना हो और प्रजा, उसकी प्रजा जो है वो सब अच्छे से रहे, तो वो क्या पूछ रहा होगा कि क्या आपको कोई खेती करने में या आपको कोई परेशानी तो नहीं है, सब सही है, तो यही पूछ रहा होगा। तो हम लोग लिख लेंगे, करने के लिए किसी चीज की आप लोग लिख लीजिए, कोई भी नहीं छोड़ेगा, सभी लोग अपने बुक में लिखेंगे, ठीक है।
नंबर दो दो नंबर में क्या है री की मात्रा मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। ये लिखा हुआ है इसमें क्या करना है इसमें री की मात्रा ये म ग म ग ग ग क स म ग सी कसी इसमें क्या करेंगे यहाँ अगर लग जाएगा री की मात्रा तो क्या बन जाएगा म में री की मात्रा लग गया तो क्या बन गया मृग। क्या बन गया मृग। वैसे ग में लग जाएगा री की मात्रा तो क्या बन जाएगा ग्री। ग्री मीन्स घर मृग मीन्स हिरण। उसके बाद कसी लिखा हुआ इसमें भी क में ग्री की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कृषि। इसमें बुक में दिया हुआ है आप लोगों का उसी में पूरा करना है ठीक है। ये नीचे में दिया हुआ है नंबर दो री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। ये म में मृग में यहाँ लगाना है कृषि में क में री की मात्रा लगाना है फिर ग्री में ग में री की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है ठीक है। चलिए कर लीजिए आज का वीडियो यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाय।